देख रहे न्यूज 18, मैं हूँ आपके साथ मेघा चौधरी। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। नैनी स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एक छात्र लारेब हाशमी ने इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा के कंडक्टर पर चापड़ से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में कंडक्टर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हमला करने के बाद छात्र हाथ में चापड़ लहराते हुए भाग निकला। सड़क से गुजर रहे लोगों के मुताबिक वो चापड़ लहराते हुए धार्मिक नारेबाजी भी कर रहा था। जिहादी अभी जिंदा है, आरोपी छात्र का तमंचा लहराते एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने छात्र को घटनास्थल से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चांडी बंदरगाह के पास से गिरफ्तार किया। को थाना औद्योगिक क्षेत्र में ये इंफॉर्मेशन मिली कि शांतिपुरम से रेमन रोड जाने वाली सिटी बस में टिकट के पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें लारेब हुसैन सन ऑफ मोहम्मद यूनुस उम्र करीब 20 साल ने बस कंडक्टर को चापड़ से मारकर घायल कर दिया। बस कंडक्टर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और लारेब हुसैन अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधि कार्रवाई। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, फिलहाल इस लड़के को पकड़ लिया गया है, कुछ पता चल पाया इसने क्यों हमला किया था, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज ये सुबह की घटना है, जबकि खाफा मऊ से ये इलेक्ट्रिक बस में सिटी बस जो है उसमें चढ़ा था और कंडक्टर किराए के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके बैग में चापड़ था। माना जा रहा है कि वो प्रवृत्ति का, क्योंकि चापड़ लेकर कोई छात्र नहीं चलता है। बीटेक के छात्र था और यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। उसने कंडक्टर पर हमला कर दिया और उतरने के बाद, और जैसा कि दर्शक देख रहे होंगे कि बस में किस तरह खून के छींटे पड़े हुए हैं, और उसके बाद वो फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग की और उसके बाद चांडी गांव करीब 2.5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर जहां पर उसको पकड़ लिया था, लेकिन जो चापड़ था वो बरामद नहीं हुआ था। आज शाम को पुलिस टीम और दिल्ली थाना पुलिस उसको लेकर उसकी निशानदेही पर वो चापड़ बरामद करने के लिए गई थी, जहां पर एक बार फिर से उसने हमला कर दिया और हमला करने के बाद वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस पर फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन यहाँ तो 1:28 का करीब एक वीडियो आया है जिसमें कि वह धार्मिक नारेबाजी कर रहा है और उसने ये भी कहा है कि जिहादी अभी जिंदा है और इंशाल्लाह मैंने कंडक्टर को मारा है और वो अब बचेगा नहीं। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यह कहीं न कहीं धार्मिक रूप से प्रेरित है और किसी संगठन से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां और पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ी घटना है कि एक बीटेक छात्र जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, किराए को झगड़े को लेकर, उसके बैग में चापड़ कहां से आता है। ये तमाम ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। जी जी, धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।